नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर उस नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसपे हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं APTET में निकली हुई भर्ती के बारे में। APTET ने हाल ही में ही टीचर्स के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है और सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब तक की बहुत सबसे बड़ी भर्ती है ये। 12,370 टीचर्स के पोस्ट के लिए वैकेंसी हो रही है। हमारे जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और आप आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, APTET ने हाल में ही टीचर्स के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 12th पास होना अनिवार्य है विद 50% मार्क्स, 2 ईयर्स डिप्लोमा DED करना अनिवार्य है और ग्रेजुएशन डिग्री या 2 ईयर्स की जो डिप्लोमा इन DED है और हायर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उम्मीदवार ने प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको DED या BED करना होगा इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो, आप यानी आपने किया होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर एज पर रूल्स लिखी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको एज लिमिट मिलेगी। अप्लीकेशन फी यहाँ पर 100 रुपीज है, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी। SBI बैंक चलन यूजिंग नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप एप्लीकेशन फी भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू पैनल के द्वारा होगी और उसके पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देनी जरूरी है। पे स्केल आपको एज पर रूल मिलेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको पे स्केल मिलेगा। और यदि आपको अप्लाई करना है तो scse.ap.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पर आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भर्ती है, पोस्ट का नाम क्या है बता देते हैं। पोस्ट का नाम है टीचर, जॉब लोकेशन है आंध्र प्रदेश। यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में होगी। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 1 जनवरी 2018। तो आप देख सकते हो 1 जनवरी तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित करते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार ये भर्ती हो रही है और अब हम दिखाएंगे आपको आप इस पोस्ट को अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो जैसे आप इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, जिससे आप डायरेक्टली इस पर आ सकते हो। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन PDF है उसकी भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे आप इस PDF पर क्लिक करोगे, ये जो PDF है ओपन हो जाएगा और जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सी जानकारी आपको बड़े विस्तार में दी गई है। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ एग्जाम कभी होगी, 17/1/2018 से 27/1/2018 तक होगी, 9:30 to 12 noon और 2:30 to 5 PM 2.30 hours। तो आप देख सकते हो 2.5 hours तक की एग्जामिनेशन होगी और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी भी भरनी है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है वहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और TT सर्टिफिकेट मार्क डेमो है और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ APTET एग्जामिनेशन जो शेड्यूल होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है पेमेंट गेटवे के साथ। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है। जो भी हमारे उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश में जॉब पाना चाहते हैं, इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करें और यदि आप एलिजिबल हो तो जरूर ही अप्लाई करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है और 12,000 के अधिक, 12,000 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसी है, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो 12,370 पोस्ट की वैकेंसी है। ऑनलाइन मोड से आपको इस पोस्ट की एप्लीकेशन फी भरनी है। तो हमारे जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें और जॉब पाए। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। न जाने आपका एक शेयर आपके दोस्तों को गवर्नमेंट जॉब दिला दे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।